जय श्री कृष्ण। आज हम गीता जी के अध्यायों के श्लोक का पहले पठन करेंगे, बाद में उसका भावार्थ समझेंगे। आइए अब उसका भावार्थ समझते हैं। प्रियजन, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 21वें और 22वें श्लोक का भावार्थ जानते हैं। यहाँ पे अर्जुन बताते हैं कि दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। एक सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी उस चौड़ाई का मध्य भाग और दोनों सेनाओं का मध्य भाग जहां से कौरव सेना जितनी दूर खड़ी थी उतनी ही दूर पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़े करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। सेना योर्यु भर्यो मध्य पद गीता में 3 बार आया है। यहां 1 से 21 में इसी अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की आज्ञा देते हैं, पहले अध्याय का 21वां श्लोक। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करने के लिए कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं, पहले अध्याय का 24वां श्लोक। और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषादमग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक है ये। इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण युद्ध से उपरीत हो गई और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे ये भाव निकलता है कि मनुष्य जहां कहीं भी और जिस किसी भी परिस्थिति में है वहीं रहकर वह प्राप्त स्थितियों का सदुपयोग करने का निष्काम हो सकता है और वही उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, कारण कि परमात्मा संपूर्ण स्थितियों में सदा एक रूप से ही रहते हैं। दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करे, इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छाओं को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजलोग खड़े हैं उन सब को जब तक मैं देख न लूं तब तक आप रथ को वहीं पर खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बलवान है, कौन मेरे से कम बलवान है और कौन मेरे से अधिक बलवान है, उन सब को मैं जरा देख लूं। यहां अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात का स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की इच्छा ज्यादा है। अतः उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। जय श्री कृष्ण। For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.